एक शख्स ने डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी गोपनीय सूचनाएं देने के नाम पर अमेरिकी खुफिया अधिकारियों को लगभग 64 लाख रुपए की चपत लगा दी। इस व्यक्ति ने अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी की कई जानकारियां होने का भी दावा किया था, हालांकि बाद में रूसी नागरिक कीमत लेने के बाद सूचनाएं देने से मुकर गया। खुफिया एजेंसी CIA के अधिकारियों ने पिछले साल की शुरुआत में रूसी नागरिक से बातचीत शुरू की थी। CIA की ट्रंप से जुड़ी जानकारियों से अधिक NSA के हैकिंग टूल को भी हासिल करने में दिलचस्पी थी। NSA ने ये सॉफ्टवेयर अमेरिका के विरोधी देशों का डाटा हैक करने के लिए विकसित किया था। इस सॉफ्टवेयर में शैडो ब्रेकर नाम का हैकिंग समूह है, जिसे 2016 में चुरा लिया गया था। अमेरिका में व्हाइट हाउस के एक और कर्मचारी ने घरेलू उत्पीड़न का आरोप लगाने के बाद इस्तीफा दे दिया है। एक सप्ताह में ये दूसरा ऐसा इस्तीफा है जिसे डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। बुधवार को कर्मचारी सचिव रॉब पोर्टर के इस्तीफे के बाद शुक्रवार को डेविड सोरेनसेन ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। इससे व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ जॉन केली और लंबे समय से सहायक रहे बॉब हिक्स की छवि भी खराब हुई है। व्हाइट हाउस के भाषण लेखक डेविड सोरेनसेन ने अपने खिलाफ पत्नी द्वारा लगाए गए उत्पीड़न के आरोपों के बाद इस्तीफा देने से पहले ट्रंप की घरेलू टिप्पणी से हाथ धोकर कर्मचारी सचिव रॉब पोर्टर ने भी इस्तीफा दे दिया है। इन इस्तीफों से खराब होती छवि पर ट्रंप के चीफ ऑफ स्टाफ जॉन केली को व्हाइट हाउस अधिकारियों ने कहना पड़ा कि रॉब पोर्टर पर उनकी पत्नी के लगाए आरोपों के बाद कर्मचारियों को हैंडल नहीं कर पाने के आरोपों की वजह से निपटने के लिए वो अपने इस्तीफे को लेकर तैयार है, लेकिन उन्होंने कर्मचारियों को इस्तीफा देने के लिए कभी प्रेरित नहीं किया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के चलते उत्तर कोरिया कर्ज के जाल में फंसता जा रहा है। इन्हीं प्रतिबंधों के कारण प्योंगयांग से धन हस्तांतरण पर रोक लगाई गई है। उत्तर कोरिया ने कर्ज का ठीकरा UN पर फोड़ते हुए कहा कि इन प्रतिबंधों के चलते वो UN को करीब 1,84,000 अमेरिकी डॉलर का भुगतान करने में असमर्थ है। उत्तर कोरिया के संयुक्त राष्ट्र मिशन ने कहा है कि अगस्त की शुरुआत में सुरक्षा परिषद द्वारा डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया के विदेश व्यापार बैंक पर लगाए गए प्रतिबंधों ने अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के प्रभार में भुगतान करना असंभव बना दिया है। मिशन ने कहा कि राजदूत जा सॉन्ग ने प्रबंधन के लिए अंडर सेक्रेटरी जनरल से बैंकिंग चैनल खोलने के अनुरोध के लिए मुलाकात की, जिसे DPRK ने 1,83,458 डॉलर का भुगतान किया जा सके। साथ ही शांति बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल के अलग बजट के लिए भी पैसों की जरूरत है। इजरायली विशेषज्ञों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रामल्ला यात्रा भारत इजरायल के मजबूत होते रिश्तों के बीच फिलिस्तीन को सहज कर देने वाला पुरस्कार है। मोदी फिलिस्तीन की यात्रा पर गए पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से यरूशलम को इजरायल की राजधानी घोषित करने के बाद क्षेत्र में पैदा हुए तनाव के बीच मोदी की यात्रा हो रही है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर फिलिस्तीन के रुख के पक्ष में लगातार वोट किया है, जिससे रणनीतिक साझेदार इजरायल चिंतित होता जा रहा है। नई दिल्ली और वॉशिंगटन में एक पूर्व इजरायली प्रवक्ता लियोन वाइंट्राब ने कहा कि मेरा मानना है कि फिलिस्तीनी समझते हैं कि पिछले कुछ साल में इजरायल और भारत के संबंध नाटकीय ढंग से मजबूत होने के बाद ये यात्रा सहज करने वाला एक पुरस्कार है। जम्मू कश्मीर से लगी नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सेना द्वारा भारतीय सेना को निशाना बनाने के लिए अमेरिका निर्मित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत अब इस मामले को लेकर अमेरिका के ट्रंप प्रशासन के समक्ष उठाने की तैयारी में है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों से ये जानकारी मिली है। सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने पिछले रविवार को जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा पर भारी गोलीबारी के दौरान भारतीय सेना के एक दल पर
ATGM का इस्तेमाल किया था। इस गोलीबारी में भारतीय सेना के कैप्टन समेत 4 सैनिक शहीद हो गए थे। सेना सूत्रों ने बताया था कि पाकिस्तानी सेना ने 120 मिलीमीटर मोर्टार और ATGM का इस्तेमाल राजौरी के हमले के दौरान किया था। कुछ हफ्ते पहले ही मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन के विशेष दूत के रूप में विदेश मंत्री मोहम्मद आसिम भारत आए थे। तब मालदीव की कथित इंडिया फर्स्ट नीति के रूप में इसे देखा गया था। इस तथ्य की ओर बहुत ध्यान नहीं दिया गया कि इसी बीच भारत मालदीव के संबंध इतने बिगड़ गए कि यामीन सरकार ने किसी भी भारतीय चिंता के प्रति जवाबदेही ही खत्म कर दी। ऐसे में ये स्पष्ट हो गया कि यामीन सरकार के लिए इंडिया फर्स्ट अब चाइना फर्स्ट हो गया है। सीरिया की सीमा में शनिवार को इजरायली F-16 लड़ाकू विमान मार गिराया गया। विमान के पायलट की जान बच गई है और वो सुरक्षित है। ये विमान ईरानी ड्रोन के संचालन केंद्र को नष्ट करने के मकसद से सीरिया सीमा के भीतर लाया गया था। तभी उस पर एंटी एयरक्राफ्ट गन से फायरिंग हुई। इसके बाद इजरायल ने पलट कर फिर हमला किया और सीरिया में स्थित दर्जन भर से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर बमबारी। सीरिया में जिन सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया है उनमें से कई ईरानी ठिकाने हैं जहां से लड़ाके असद सरकार के समर्थन में लड़ रहे हैं। इजरायली सेना के प्रवक्ता के अनुसार इजरायल की सीमा में घुसे ईरानी ड्रोन को शनिवार सुबह जब गिराया गया तो पता चला कि उसका संचालन सीरिया की ओर से हो रहा था। इसके बाद संचालन केंद्र नष्ट करने के लिए इजरायली विमान सीरिया की सीमा के भीतर घुसा था। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर घरेलू पर्यटकों को ले जा रही एक बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से कम 27 लोगों की मौत हो गई और 16 अन्य लोग घायल भी हो गए। जानकारी के मुताबिक बस में कम से कम 40 यात्री सवार थे। आपको बता दें कि बस ने एक मोटर बाइक को पश्चिमी जावा प्रांत के सुबांग क्षेत्र में टक्कर मार दी थी, जिसकी वजह से बस कई बार पलट गई। बस में सवार ज्यादातर यात्री जावा के बटेन प्रांत के रहने वाले थे और वो गर्म पानी का झरना देखने जा रहे थे। पुलिस इस टक्कर की जांच कर रही है, लेकिन उन्हें संदेह है कि घटना के वक्त वाहन का ब्रेक फेल हो गया था। जापान की राजधानी टोक्यो की गिंजा शहर फैशनेबल जगह के रूप में जाना जाता है। गिंजा के एक प्राइवेट स्कूल की बात करें तो वहां पर प्रशासन को लगा कि बच्चों की ड्रेस बदलनी चाहिए, जिसके बाद इटली के ब्रांड अरमानी का रुख किया गया। ताइमेली एलिमेंट्री नाम के स्कूल ने पिछले साल बच्चों की ड्रेस को तैयार किया जो बेहद स्टाइलिश और महंगी थी, जिसे लेकर बच्चों के माता पिता ने इसे खरीदने से मना कर दिया। स्टाइल के लिए जापान बहुत संजीदा रहता है, लेकिन इस बार बच्चों की ड्रेस स्टाइलिश और काफी ज्यादा महंगी है। जापान में स्कूल की ड्रेस बच्चे जमकर पहनते हैं, क्योंकि स्कूल के प्रति बच्चों को जागरूक करना रहता है ताकि ज्यादा लोगों को पता चल सके कि स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के अभिभावकों का कहना है कि ड्रेस की कीमत अभी भी मौजूदा स्कूल ड्रेस की कीमत से 3 गुना ज्यादा है। जम्मू कश्मीर में सुजुवान आर्मी कैंप में हुए कल आतंकी हमले में भारत की सेना ने 4 आतंकवादियों को मार गिराया। वहीं भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हो गए और एक बच्ची की मौत हो गई। इस दौरान 9 लोग घायल होने की बात भी सामने आई है। घायलों ने जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से मुलाकात की। आर्मी कैंप में अभी भी सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। प्रशासन ने जम्मू में अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं प्रशासन ने 500 मीटर के दायरे में आने वाले स्कूलों को भी बंद कर दिया है। तो वहीं देश की राजधानी से एक बार फिर स्कूल की लापरवाही का मामला सामने आया है। पूरा मामला ये है कि स्कूल प्रशासन ने बच्चों को दिल्ली दर्शन के लिए लेकर जाना था और 7 साल की मासूम बच्ची को भी स्कूल के अन्य बच्चों के साथ ही दर्शन के लिए लेकर जाना था, लेकिन स्कूल की लापरवाही के कारण बच्ची स्कूल की क्लास में ही छूट गई।
की लापरवाही का उस वक्त पता चला जब शाम 6 बजे अब उसकी माँ बच्ची को लेने स्कूल पहुंची तो स्कूल वालों ने बताया कि आपकी बच्ची तो पिकनिक पर गई ही नहीं। लेकिन स्कूल में अफरा तफरी तब मच गई जब उसकी माँ ने स्कूल प्रशासन को बताया कि वो खुद बच्ची को स्कूल छोड़कर गई थी। काफी देर तक ढूंढने के बाद बच्ची स्कूल की दूसरी मंजिल पर अपने ही क्लास में बेसुध हालत में मिली। परिवार वालों ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है और पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। हरियाणा के श्रम राज्य मंत्री नायब सैनी ने जाट नेता यशपाल मलिक को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इनेलो का एजेंट कहा है। गुरुग्राम में उन्होंने कहा कि मलिक दोनों पार्टियों के इशारे पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की रैली का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी ने भी अमित शाह की रैली के मद्देनजर माहौल खराब करने की कोशिश की तो बख्शा नहीं जाएगा। सैनी ने कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार व्यक्तिगत न होकर साझा विकास करना है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने जींद में होने वाली रैली का मोर्चा संभाल लिया है। बराला ने अपने गृह क्षेत्र में पहुंचने के बाद पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि जाटों के एक विशेष गुट के अलावा जाट समाज भाजपा के साथ है। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारियों के एक ग्रुप अपनी मांगों को लेकर रैली के विरोध की बात कर रहा है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश की जनता इस बात को जानती है कि उनकी सरकार ने आंदोलनकारियों से बातचीत के बाद उनकी अधिकतर बातें मान ली थी। बराला ने एनजीटी सरकार द्वारा प्रदूषण विभाग को दिए नोटिस पर बोलते हुए कहा कि प्रदूषण के मामले में न तो पहले कोई समझौता भाजपा ने किया था और न ही आगे करने वाली है। बराला ने कहा कि किसी भी तरह का प्रदूषण इस रैली के माध्यम से नहीं होने दिया जाएगा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हरियाणा की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। करनाल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 3.5 साल के कार्यकाल के दौरान हरियाणा आगे बढ़ने की बजाय पिछड़ता जा रहा है। रावत ने कहा कि आज लोगों में बीजेपी के प्रति रोष बढ़ने लगा है जिसका खामियाजा चुनाव में भुगतना होगा। बीजेपी ने लोगों से जितने भी वायदे किए थे वो आज तक पूरे नहीं हुए। हरीश रावत करनाल में पूर्व मंत्री मीना मंडल के आवास पर किसी काम से आए थे। फरवरी 2016 के जाट आंदोलन को 2 साल होने को आए हैं लेकिन लोगों को अभी तक सरकार की तरफ से कोई मुआवजा नहीं मिला है। झज्जर के छावनी मोहल्ले में 21 फरवरी 2016 को जमकर उत्पाद मच रहा था लेकिन अभी तक 20 पीड़ितों को अंतिम मुआवजा नहीं दिया गया है। वो भी ऊंट के मुंह में जीरे के समान ही मुआवजा वहां पर दिया गया है। वहीं इस घटना में मृतकों के हादसे को भी अभी तक नौकरी का इंतजार है। हालत ऐसी है कि लोग सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट काट कर थक गए हैं लेकिन कोई सूरत नजर नहीं आती। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने बीजेपी पर चौथी बार प्रदेश की हालत खराब करने की साजिश रचने के आरोप लगाए हैं। कुरुक्षेत्र में अपने आवास पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी को प्रदेश के हित में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की रैली नहीं करवानी चाहिए। अरोड़ा ने कहा कि इनेलो में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अमित शाह को खत लिखकर एसवाईएल का निर्माण करने की मांग की थी लेकिन अभी तक इस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई। इसके लिए इनेलो बीजेपी अध्यक्ष को काले झंडे दिखाएगी। साइबर सिटी के पॉश इलाकों के लगातार चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। बदमाशों ने पुलिस स्टेशन से महज 700 मीटर की दूरी पर पॉश इलाके में 4 से 5 घरों को निशाना बनाया। बदमाश अब तक लाखों की चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। वहीं बदमाशों की करतूत एक घर में चोरी करते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।
बहादुरगढ़ के झज्जर में हुए एक हादसे में 10 लोग घायल हो गए, जिनमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार दिल्ली से रोहतक जा रही एक प्राइवेट बस ने सड़क पर खड़ी दूसरी बस को टक्कर मार दी। घटना के बाद बस का ड्राइवर फरार हो गया। घायलों को तुरंत निजी अस्पताल में ले जाया गया, जिनमें से 4 को हालत गंभीर होने के चलते बहादुरगढ़ रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी।